हाँ जी बोलिए बच्चे। मैम मेरी अटेंडेंस लग गई है? नहीं अतुलेश अभी नहीं लगी है। ठीक है मैम अतुलेश नहीं निशांत। निशांत। नहीं बच्चे है ना कि अटेंडेंस के बारे में अभी कोई नहीं पूछेगा। कितनी बार बोलना पड़ता है फिफ्थ क्लास आपको? यस पिक्चर विजिबल है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नसीरुद्दीन के पड़ोस में कैसा व्यक्ति रहता था? नसीरुद्दीन के पड़ोस नसीरुद्दीन में मैम बेईमान के पड़ोसी में एक बेईमान व्यक्ति व्यक्ति रहता रहता था। इकट्ठे आंसर नहीं करना है। जैस्मिन आप बोलिए। नसीरुद्दीन के पड़ोसी में एक बड़ा बेईमान व्यक्ति एक रहता था। बेईमान व्यक्ति रहता था। ठीक है उचित कारण भी बताना है आपने, क्यों बेईमान था मैम वो? दूसरों की चीजें हड़प लेता अग्रीस था, अग्री हड़प लिया करता था। ठीक है सेकंड उसकी बुरी आदत क्वेश्चन है। थी मैम, उसकी बुरी आदत थी कि वह दूसरों की चीजें हड़प लिया करता था। मैम यस उसकी बुरी आदत थी कि वह दूसरों की हड़प पड़ोसी के घर क्यों गया था? क्यों गया था? नहीं मैंने अभी स्टॉप की है स्क्रीन, आपसे पूछ रही मैं। मैम ठीक है बात करती हूँ, अभी सुनो ध्यान से। यस अंशुमन बच्चे बताइए जल्दी से, नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर क्यों गया था? बाकी बच्चे पड़ोसी म्यूट रखेंगे अपने आप को। के घर उसको सबक सिखा रहे थे मैम। जैस्मिन मैंने आपको बोला बच्चे अभी बोलने के लिए, आपकी मैम क्लास रुकी है नसीरुद्दीन फिर बीच में क्यों आंसर कर रहे हो आप? म्यूट रखो अपने आप को। मैम बर्तन लेने के लिए गया था नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी के। बर्तन लेने के लिए तो गया था ना, पर उसे क्या सिखाने गया था? वो सबक सिखाने गया था। ठीक है जो बर्तन मांगने का उद्देश्य था उसके पीछे उसे सबक सिखाना चाहता था। तो इसका आंसर लिखेंगे नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर उसे सबक सिखाने के लिए गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट अंशिका 3076। यस मैम। यस बच्चे आप बताएंगे, नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने दूसरी बार खुशी खुशी बड़ा बर्तन क्यों दे दिया? यस बच्चे पीछे इकट्ठे नहीं बैठना, आपने अलग अलग बैठिए। नसीरुद्दीन पड़ोसी ने दूसरी बार खुशी खुशी बड़ा बर्तन क्यों दे दिया? क्यों दे दिया ये संशिका बताओ बच्चे क्यों दिया था उसने? कि एक एक हाँ बोलो शाबाश। एक बर्तन के के बदले उसे बर्तन क्या था? दूसरा बर्तन मिल जाना था, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था ना। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने दूसरी बार खुशी खुशी बड़ा बर्तन इस ये सोचकर दे दिया कि उसे एक के बदले दो बर्तन मिलेंगे। ठीक है ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट मन्नत। यस मैम। आप बताएंगे, नसीरुद्दीन ने बर्तन ना वापस कर पाने की क्या वजह बताई थी? मैम वेट, नसीरुद्दीन ने बर्तन ना वापस कर पाने की क्या वजह बताई थी? क्यों वो बर्तन जो है वो वापस नहीं कर पाया था? माय कंटेंट
वन मिनट वेट करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट अवनी. यस अवनी अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. अनम्यूट कीजिए अपने आप को. यस बच्चे आप बताएंगे बर्तन वापस ना कर पाने की क्या वजह बताई थी नसीरुद्दीन ने. नो मैम मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही है. नेक्स्ट स्टूडेंट पारस 1916 पारस. मैम मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही है. जैस्मिन मे भी फोन में कोई इशू होगा ना. मैं तो नहीं बता सकती कि आप कैसे वीडियो ऑन करोगे. ठीक है मैम कोई बात नहीं. आ रही यू नॉट स्टार्ट बिकॉज़ द होस्ट हैज डिसेबल इट. अभी देखो करके. यस मैम मैम आ गया. नो अक्षित. अक्षित. यस मैम. यस आप बताएंगे नसीरुद्दीन ने बर्तन वापस ना कर पाने की क्या वजह बताई थी. यस बच्चे बताइए जल्दी से. नई स्टोरी पढ़ी है आपने घर में इसका मतलब ना. नहीं पढ़ के आयो ना. नेक्स्ट स्टूडेंट अदिति सूर्या. अदिति नो. तनिष्का. यस मैम. यस बच्चे आप बताएंगे नसीरुद्दीन ने बर्तन वापस ना कर पाने की क्या वजह बताई. नसीरुद्दीन ने यह वजह बताई कि मैं जिस रात जिस दिन मैं आपका बर्तन लेके आया था वह तो उसी रात चल बसा. यस नसीरुद्दीन ने बताया कि मैं आपके घर से जो बर्तन लाया था वो तो उसी रात चल बसा. ओके सक्षम ठाकुर. सक्षम ठाकुर. यस मैम. यस बच्चे आप बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नसीरुद्दीन का जवाब कर पड़ोसी क्यों कुछ भी कह नहीं पाया. साउंड नहीं आ रही. मैं रिपीट. क्वेश्चन है बच्चे नेक्स्ट आपका सुना क्यों वो कुछ भी नहीं कह पाया था जब दूसरी बार. हाँ बोलो बच्चे. बहुत आलसी है. नहीं किया ना अपने घर में रिवाइज को. यस बच्चे पीछे. यस मैम. यस बच्चे आप बताओ नसीरुद्दीन का जवाब सुनकर पड़ोसी क्यों कुछ नहीं कह पाया. जब नसीरुद्दीन बेईमान पड़ोसी को बोलते हैं कि जिस रात में आपका बर्तन लाया था वह उसी रात चल बसा. ठीक है तो नसीरुद्दीन जब ने ऐसे बताया कि बेईमान पड़ोसी बर्तन तक मरते हैं तो नसीरुद्दीन ने उसे जवाब दिया था कि अगर बर्तन जन्म दे सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते. ये बात सुनकर पड़ोसी क्यों कुछ नहीं बोल पाया. क्या हुआ था ऐसा कि वो कुछ नहीं बोल पाया. वो चुपचाप वहां से वापस आ गया. मैम आई कैन टेल. वह घटना सबके सामने हुई थी इसलिए वो मुंह मसोस के चला गया. यस
क्योंकि ये दोनों जो घटनाएं थी ये लोगों के सामने हुई थी। ठीक है, जब वो पहली बार बर्तन लाते हैं, एक बर्तन के साथ उसे दूसरा बर्तन देते हैं, और जब बेईमान पड़ोसी उसे पूछता है कि ये बर्तन किसका है, ठीक है, तो नसीरुद्दीन ने उसे जवाब देते हैं कि ये बर्तन जो है मुझे, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि आपके बर्तन के साथ ही रखा हुआ था, तो ये बर्तन शायद हो सकता है रात को इसी ने जन्म दिया, तो पड़ोसी जो उस बर्तन को रख लेता है, ठीक है, अपने पास। जब सेकंड टाइम वो बर्तन वापस करने नहीं जाते हैं, वो बेईमान कम है, तो इसमें ये भी क्वेश्चन जो वो कंप्लीट ना आ पाए, टाइट होंगे, तो अपने ये क्वेश्चन आंसर जो अपनी बुक में भी इसमें लिखने नोटबुक में भी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। हां जी, मैं आगे आगे सेकंड क्वेश्चन है आपका, सही कथनों के आगे सही व गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाइए। जानवी 2084, यस जानवी। यस मैम। पूरा मोहल्ला उसकी आदत से आनंदित था, ये वाक्य सही है या गलत है? मैम सही है। आनंदित था, लोगों की वो चीजें हड़प लेता था तो लोग उससे खुश होते हैं। गलत है। आनंदित का मतलब है खुश, ठीक है, तो पूरा मोहल्ला उसकी आदत से परेशान था, ठीक है, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट अक्षित, अक्षित अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ, कहाँ देख रहे हो, सामने देखिए और अनम्यूट करो अपने आप को। अक्षित, नसीरुद्दीन का पड़ोसी बेईमान था, ये सही है गलत? मैम सही है, ठीक है। नसीरुद्दीन का ओके से चाइना, यस चाइना मैम, आप बताएंगे नसीरुद्दीन पड़ोसी को गिनती खाना चाहता था, ये वाक्य सही है या गलत? गलत। क्या सिखाना चाहता था वो? यस, सबक सिखाना चाहता था। ओके विनायक शर्मा, यस बच्चे आप बताएंगे, दूसरी बार भी नसीरुद्दीन ने बड़े बर्तन के बच्चों सहित उसे वापस कर दिया, सही है गलत? गलत। गलत। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट छोरे बेट बेटा तनिष्का, यस मैम। दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी, सही या गलत? सही। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट अवंतिका धीमान, यस मैम। खुशी खुशी अपने घर चला गया, ये वाक्य सही है या गलत? मैम सही। मैम गलत। गलत है, वो मन में सोचकर पूरा मुंह बनाकर गया था, ठीक है, दुखी होकर। अंत में पड़ोसी खुशी खुशी अपने घर चला गया, गलत, ठीक है। तो अभी आप इन क्वेश्चन आंसर को अपनी बुक में लिखेंगे जल्दी से सभी बच्चे, राइटिंग का ध्यान रखना है, राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। नसीरुद्दीन के पड़ोस में कैसा व्यक्ति रहता था? Yes, ma'am. कारण सहित उत्तर दें। आंसर लिखने अभी आपने, नसीरुद्दीन के पड़ोस में बेईमान व्यक्ति
लिखिए जल्दी से। नसीरुद्दीन के पड़ोस में बेईमान व्यक्ति रहता था। दिन के पड़ोस में एक बेईमान रहता था। पड़ोस में आदत थी, उसकी बुरी आदत थी कि वह दूसरों के फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे सभी ने कंप्लीट। यस मैम। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक उसकी बुरी आदत थी कि वह दूसरों की चीजें हड़प लिया करता। आंसर लिखेंगे नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर सबक सिखाने गए थे। दिन पढ़ने गए थे। रिद्धिमा 3078। रिद्धिमा। यस मैम। ओके। यस बच्चे एक बार में ना आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर लिखेंगे नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर उसे सबक सिखाने के लिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया सभी ने। ओके थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे। नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने दूसरी बार खुशी खुशी बड़ा बर्तन क्यों दे दिया। आंसर लिखेंगे नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने दूसरी बार खुशी खुशी बड़ा बर्तन यह सोचकर दे दिया कि एक के बदले दो बर्तन मिलेंगे। एक के बदले दो बर्तन मिलेंगे। नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने दूसरी बार बर्तन यह सोचकर दे दिया कि एक के बदले में दो बर्तन मिलेंगे। मैम तीन पूरी जानवी आयु बंदा कर रहे बच्चे।
खुद लिखेंगे अगर आपने इस तरह से गंदी कर रहे तनिष्क का आयुष क्यों स्क्रीन को बार बार गंदा जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नसीरुद्दीन ने बर्तन वापस ना कर पाने की क्या वजह बताई नसीरुद्दीन ने बर्तन वापस ना कर पाने की क्या वजह बताई आंसर लिखेंगे नसीरुद्दीन ने बताया मैं आपके घर से जो बर्तन लाया था वह उसी रात चल बसा मैं आपके घर से जो बर्तन लाया था वह उसी रात चल बसा चल बसा नसीरुद्दीन का जवाब सुनकर पड़ोसी क्यों कुछ भी कर नहीं पाया क्योंकि दोनों ही ओके स्टूडेंट कर लिया सेकंड क्वेश्चन यस मैम उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपका नसीरुद्दीन का जवाब सुनकर पड़ोसी क्या नसीरुद्दीन का जवाब सुनकर पड़ोसी क्यों कुछ भी नहीं कह पाया आंसर लिखेंगे क्योंकि दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी क्योंकि दोनों घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी लिख लिया बच्चे यस मैम सभी ने कंप्लीट कर लिया ये यस मैम ओके मैम मैं भी खुद कर ले रही हूँ तो मैं माइक म्यूट कर दे रही हूँ अपना बच्चे स्क्रीन को गंदा मत कीजिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सुनेंगे ध्यान से नसीरुद्दीन के पड़ोस में कैसा व्यक्ति रहता था उचित कारण से ही फर्स्ट का आंसर है नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक बेईमान व्यक्ति रहता था उसकी बुरी आदत थी कि वे दूसरों की चीजें हड़प लिया करता था ओके सेकंड है आपका नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर क्यों गए नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर उसे सबक सिखाने के लिए गए थे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है नसीरुद्दीन ने पड़ोसी नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने बार खुशी खुशी बड़ा बर्तन क्यों दे दिया ठीक है आंसर लिखेंगे नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने दूसरी बार खुशी खुशी बड़ा बर्तन इसलिए दे दिया कि उसने ये सोचा था कि एक के बदले दो बर्तन जो है वो उसे मिलेंगे ओके अभी एक बात फिर से मैं आपके जिन बच्चों ने सुन लो ध्यान से जिन बच्चों की जीमेल आईडी मुझे सेंड करेंगे वो अपने नाम सुनिए ठीक है और आपने क्लास के बाद किसी भी फैमिली मेंबर की हो आपके फोन में ठीक है पापा मम्मी भाई बहन किसी की भी होगी वो आपने सेंड कर देनी है साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नेम भी लिख कर सेंड करना है सबसे पहले 1868 अटेंडेंस मैंने ले ली है ठीक है बीच में नहीं बोलना किसी ने भी
सुन लिया करो टीचर कुछ बोल रहा होता है तो। 1868 1883 1868 अक्षित, 1883 सोहम, 1931 शिवांशु, 1963 अतुलेश, 2018 अंशिका, 2084 जानवी, 2098 कृषिका, 2124 अखिल, 2949 मानवी, 3032 अवंतिका एंड 2926 शौर्य। ठीक है, आप लोग सभी बच्चे आज ही मुझे अपनी जीमेल आईडी सेंड करेंगे। ओके अभी सेकंड क्वेश्चन आपका सही कथनों के आगे सही व गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो ये आपने अभी हमने क्लास में किया है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। पूरा मोहल्ला उसकी आदत से आनंदित था, गलत है ये, परेशान था। नसीरुद्दीन का पड़ोसी बेईमान था, सही है। नसीरुद्दीन पड़ोसी को गिनती सिखाना चाहता था, गलत है। सबक सिखाना चाहता था। जैस्मिन जोग्रा स्क्रीन को गंदा मत कीजिए। दूसरी बार भी नसीरुद्दीन ने बड़े बर्तन के बच्चों सहित उसे वापस कर दिया, गलत है ये। दोनों ही घटनाएं पूरे मोहल्ले के सामने हुई थी, सही है। नेक्स्ट है आपका, अंत में पड़ोसी खुशी खुशी अपने घर चला गया, गलत। प्रश्न नंबर तीन जो है आप खुद करेंगे। निम्नांकित वाक्य को पढ़िए और उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। नसीरुद्दीन के ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव आल्सो डन। ओके, साथ के साथ बच्चे आप लर्न भी करना है। लर्न करने के लिए दिए हुए ना, तो आपने वो लर्न परसों वेडनेसडे के यूनिट टेस्ट 2 मैम कब से शुरू हो रहे हैं? कौन से टेस्ट बच्चे? मैम ये पेपर स्कूल में होंगे बच्चे, एग्जाम आने होंगे क्या आपके स्कूल? मैम फर्स्ट डेट से स्टार्ट होंगे स्कूल। अभी मैसेज आ जाएगा बच्चे आपको, ठीक है, जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है, साथ में जो आपको एप्लीकेशन, ठीक है, प्रार्थना पत्र, पत्र, निबंध, कहानियां जो करवाई हैं, वो भी आपने फ्री टाइम में लर्न करनी है। ओके, प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है? प्रश्न नंबर 4 रीड कर दूं। नसीरुद्दीन ने बर्तन वापस ना कर पाने की क्या वजह बताई? नसीरुद्दीन ने बताया, मैं आपके से जो बर्तन लाया था वह उसकी राह चल बसा। मैंने थर्ड कंप्लीट कर लिया है। थर्ड कंप्लीट हो गया बच्चे? ओके, आई हैव डन। आई हैव आल्सो। हां जी बच्चे, बेईमान। 1 मिनट सेकंड का तरकीब होगा, थर्ड कब बर्तन, फोर्थ को तो आसान ही है। फर्स्ट क्वेश्चन का आपने लिख लिया बेईमान। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को सबक सिखाया। मैम तरकीब, तरकीब। यस, आपका पड़ोसी ने नसीरुद्दीन को डैश दिया, बर्तन या चम्मच?
मैम बर्तन नेक्स्ट है सुबह छोटा बर्तन बड़े बर्तन के डैश से बड़ा था अंदर का बगल के बगल में ठीक है। नेक्स्ट है आपका पड़ोसी ने और भी बड़ा बर्तन डैश दे दिया खुशी खुशी मैम खुशी खुशी। और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है फर्स्ट आपको पता है नसीरुद्दीन की है और सेकंड पिक्चर जो है वो किसकी है बेईमान तो उसमें जो उनकी विशेषता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो शब्द लिखे उसके नीचे जैसे बुद्धिमान थे समझदार थे विनम्र थे और जो नसीरुद्दीन जो बेईमान थे वो कैसे है लालची है